एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? तो इस बार जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो एक्चुअली एक बुक रिव्यू नहीं है, एक समरी वीडियो है प्लस रिव्यू, जो वीडियो के एंड में मैं दूंगी। तो अगर आपको सिर्फ रिव्यू देखना है तो आप स्किप करके डायरेक्ट रिव्यू पार्ट पे जा सकते हो। तो आज की बुक है ये, द वेमेन एट हिटलर्स टेबल, और इस बुक के अंदर स्टोरी है रोजा की। रोजा जो है बर्लिन में रहने वाली एक जर्मन लड़की होती है। स्टोरी थोड़ा सा बैक में मैं आपको बता देती हूँ कि रोजा बर्लिन में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। वो जॉब करती है एक अच्छी जगह पर, और उसका जो बॉस होता है वो होता है ग्रिगोर। ग्रिगोर से उसका अफेयर हो जाता है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के एक साल बाद ही वॉर स्टार्ट हो जाता है। वॉर स्टार्ट होने की वजह से ग्रिगोर को जाना पड़ता है, और वॉर सबको पता है, किसी को नहीं पता होता कि वॉर कितनी लंबी चलने वाली होती है। तो ग्रिगोर के जाने के बाद रोजा जो है वो अपनी मॉम के साथ शिफ्ट हो जाती है और वहीं पर रहना स्टार्ट कर देती है। लेकिन बॉम्बिंग की वजह से उसकी मॉम मर जाती है उस इंसिडेंट में। लेकिन रोजा के पास ना घर रहता है ना कुछ रहता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, और रोजा आ जाती है अपने इन लॉज के साथ रहने के लिए, क्योंकि एक छोटे से गांव में रहते हैं बर्लिन से काफी। लेकिन उस छोटे से गांव में भी उसे कोई राहत नहीं मिलती, क्योंकि जर्मन लोगों को चाहिए होते हैं फूड टेस्टर्स हिटलर के खाने के लिए, क्योंकि एक डाउट रहता है उन लोगों को कि कभी ना कभी हिटलर को पॉइजन देने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए हिटलर के खाने से पहले कुछ लोग उसके खाने को टेस्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो ऑब्वियसली वो ज्यूज को तो नहीं ले जाएंगे ना, वो ले जाते हैं कुछ प्योर ब्लड्स को, यानी जर्मन्स को पकड़ के। तो उसमें रोजा भी होती है जिसको चूज किया जाता है। उसके अलावा 10 लड़कियां और होती है जिनको एज अ फूड टेस्टर उस जॉब पे रखा जाता है, और उन लोग का यही काम होता है। जब वो पहली बार उन लोगों के सामने खाना आता है, और वो लोग जब वो खाना खाते हैं ना, तो मतलब जब आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें जहर हो सकता है लेकिन आपको खाना पड़ेगा, कितना फ्राइटनिंग फीलिंग है ये मुझे बहुत ज्यादा मतलब हार्ट टचिंग लगा कि अगर आप ऐसा खाना खा रहे हो। मैं एक फूडी हूँ ना, खाने से बहुत प्यार है, और ऐसा खाना जिसको खा के मैं मर भी सकती हूँ और उसे मुझे खाना ही पड़ेगा, ये सोच के ही ना मुझे बहुत डर लग गया था। पर रोज रोज सेम जॉब करते करते उन लोगों का डर जो होता है धीरे धीरे कम हो जाता है, और वो उस फूड टेस्टिंग की जॉब को एज अ जॉब लेने लगते हैं, क्योंकि उनको उसके लिए सैलरी भी दी जाती है। लेकिन बीच बीच में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत बुरे लगता है मुझे। एक्चुअली क्या है कि उन लोग को ऐसा जॉब तो वो काम मिल जाता है, लेकिन उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, उनको नॉर्मल कैदियों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मतलब बीच में आपको ऐसा लगेगा कि वो लोग कोई जेल के पकड़े हुए लोग हैं जिनको खाने के लिए चूहों की तरह एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जा रहा है, इस तरह के बिहेवियर उनके साथ होने लगता है। और बीच में ही ग्रिगोर जो होता है उसका एक लेटर, उससे रिलेटेड एक लेटर रोजा को मिलता है कि वो कहीं मिसिंग हो चुका है, यानी कि न्यूज़ उस तक पहुंचती है कि ग्रिगोर का नहीं पता है कि वो जिंदा है या मर गया है, वो मिसिंग हो जाता है। रशिया में होता है वॉर के लिए, तो वहाँ से वो मिसिंग हो जाता है, और जो दुख है ना रोजा की लाइफ में वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक उम्मीद पे जी रही होती है कि ग्रिगोर एक दिन वापस आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा जब वॉर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसकी जो उम्मीद जो चल रही होती है ना कि ग्रिगोर आने की, वही खत्म हो जाती है ग्रिगोर के मिसिंग होने के साथ, क्योंकि एक तरह से वो लोग मानने लगते हैं शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। बीच बीच में वो खुद को एहसास दिलाती है कि मिसिंग होने का मतलब ये नहीं है कि वो मर चुका है, वो कभी ना कभी वापस आ सकता है। लेकिन खुद को दिलासा देना और असलियत को एक्सेप्ट करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसी सब के बीच में रोजा के लाइफ में एक नया आदमी आता है, जिगलर, जो वहाँ का चीफ होता है। वैसे तो उससे सब लोग ही डरते हैं क्योंकि वो कमांडर इन चीफ होता है उस पूरे एरिया का। लेकिन धीरे धीरे से, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर होता है, रोजा अपने हस्बैंड से दूर होती है, और सब लोग किसी ना किसी चीज़ से जूझ ही रहे हैं, कोई खुश नहीं है, वॉर की वजह से सब लोग परेशान हैं, लेकिन क्या कर सकते थे। तो इसी बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं रोजा की लाइफ में, उसके दोस्त आते हैं, उसके दोस्तों की अलग अपनी स्टोरीज होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं। रोजा की लाइफ में जिगलर आ जाता है। जिगलर और रोजा का जो रिलेशनशिप है वो कह सकते हो आप अडल्ट्री है, लेकिन काफ़ी अजीब सी बात है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो उस चीज़ को क्रेव करते हैं, अपनी लाइफ को क्रेव करते हैं, एक नॉर्मल लाइफ को क्रेव करते हैं। क्योंकि जिगलर जो है वो एक आर्मी मैन है और उसकी फैमिली बहुत दूर है उससे, और रोजा जो है उसका हस्बैंड आर्मी मैन, वो बहुत दूर है उससे, तो वो उस फैमिलीनेस को, फैमिली फीलिंग को मिस करते हैं, और इसकी वजह से वो एक गलत अफेयर में पड़ जाते हैं, और वो आगे जाके उन दोनों को बहुत नुकसान भी पहुँचाता है। जिगलर और रोजा के रिश्ते में रोजा ये फील करती है कि जितनी क्लोज वो अपने हस्बैंड ग्रिगोर से थी, उससे कहीं ज़्यादा क्लोज मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वो जिगलर के साथ होती है। और जिगलर चाहे उसका रिश्ता गलत ही होता है रोजा से, लेकिन वो रोजा से सच में प्यार करता है। तो जब हिटलर पे अटैक होता है तो सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, और हिटलर के सपोर्टर्स को मारा जाने लग जाता है शुरू में, और ये न्यूज़ पता चल जाती है जिगलर को कि इस तरह की चीज़ें होने वाली है, हिटलर पर अटैक होने वाला, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। और इसी टाइम पे जिगलर किसी तरह से रोजा को वहाँ से बचाकर बर्लिन भेज देता है,
रोजा ना चाहते हुए भी अपने इन लॉज को छोड़कर, अपने फ्रेंड्स को छोड़कर बर्लिन चली जाती है, क्योंकि सब कुछ बर्बाद होने वाला होता है और जिगलर के पास सिर्फ इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो रोजा को वहां से सही सलामत बाहर भेज दे। वो वही करता है जो कोई भी लवर करेगा। और जब बर्लिन आने के बाद रोजा के एक बीच में टाइम लैप्स आ जाता है और उसके बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, तो क्या होता है, रोजा और ग्रेगोर का डिवोर्स हो जाता है। यस, ग्रेगोर जिंदा होता है। ग्रेगोर जिंदा होता है हिटलर पर अटैक के कुछ सालों बाद उसका पता चलता है और वो वापस आता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो रोजा पहले जैसी नहीं रहती। उसकी फूड टेस्टर जॉब ने उसको बदल दिया होता है। जो इंसिडेंट्स उसने देखे होते हैं ना अपनी लाइफ में इतने टाइम बाद, वो उन सब के वजह से और कुछ हद तक जिगलर के वजह से ग्रेगोर के पास वापस ही नहीं जा पाती। फिजिकली वो उसके पास होती है, पर मेंटली और इमोशनली वो उसे बहुत दूर हो चुकी होती है और वो उसे कभी नहीं समझा पाती, कभी उससे नहीं शेयर कर पाती कि क्या हुआ उसके साथ, और वो मूव ऑन नहीं कर पाती उन सब चीज़ों से। ग्रेगोर नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है रोजा के साथ, क्या प्रॉब्लम है। वो वेट करते करते थक जाता है और फिर रोजा की लाइफ से चला जाता है। एंड में रोजा उससे मिलने जरूर जाती है, बहुत सालों बाद जब बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, रोजा उससे मिलने जाती है और तब आपको जाके पूरी बात समझ में आती है कि रोजा एक्चुअली जिगलर से ही प्यार करती थी, ग्रेगोर उसके साथ था और फिर वो चला गया और फिर जब वो वापस आया तब भी वो वापस नहीं आ सका। तो ये थी इसकी स्टोरी। और इसमें बीच में इंसिडेंट्स हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो मैंने नहीं बताए हैं, जो रोजा की फ्रेंड्स के साथ होते हैं एज अ फूड टेस्टर, उनके साथ किस तरह का बिहेवियर होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वर्दी हैं, आप ज़रूर पढ़ना इसमें। मुझे पर्सनली ये बुक काफ़ी पसंद आई। मैंने कभी भी हिटलर से रिलेटेड हिस्ट्री बुक्स के अलावा कुछ ऐसी स्टोरी या नॉवेल्स नहीं पढ़ी हैं। और इस बुक के अंदर यहाँ पे लिखा भी हुआ है इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सच हैं। तो मैं ये इंसिस्ट करूंगी कि ज़रूर आप इस बुक को पढ़ो, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अलग काफ़ी टाइप की स्टोरी है इसकी। हिस्टोरिक फिक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आपको भी पसंद है, तो मैं एक और लेके आने वाली हूँ वीडियो नेक्स्ट वीक, बताऊंगी बताऊंगी बाद में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर मैं अच्छी लगी होंगी, मुझे फॉलो करना चाहते हो, मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा मेरे इंस्टा चैनल का, इंस्टा प्रोफाइल का, और मेरे चैनल के बारे में और कौन सी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं और इस बुक का जो लिंक है या जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और कुछ भी नहीं, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताना कि और समरी वीडियोस चाहिए या और रिव्यू बुक वीडियोस चाहिए। सॉरी कि टाटा क्लिप हो रहा है मेरा। ओके, टाटा बाय। तो इस बुक रिव्यू आ